KBN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क की ये प्रोग्राम है, शाम का वक्त है। आप हर की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद उम्मीद दोस्तों, आज की ताज़ा खबर है और ये दख बलत सूरीनाम से निकाल कर हम आपके सामने रख रहे हैं। बता दें कि आज शुक्रवार है, 9 फरवरी की 29 तारीख, और कल 30 तारीख जब होगी तो ये महीना भी हम लोगों से अलविदा ले लेगा। बता दें आपको कि अगर आपकी ज़िंदगी के वास्ते आज एक खुशी भरा दिन है तो हम मुबारकबाद बधाइयाँ आपको देते हैं, और अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। जुमे की मुबारक दिन है और जुमा मुबारक आपको कहा जाता है। आज के लिए जो कॉम्बियो कोर्स है, $ 8.05 है और एरो 8.07 तक हो चला है, और इसके बाद तेल का दाम जो है सवारी के लिए गोतू के पास ऑन लेदत सेस नहीं दैर तक है, और डीजल सेस फैफ नहीं तख तक है, और फिर RBA के पास ऑन लेदत सेस फेयर तक है, और डीजल फैफ नहीं तख तक है। तो ये भी आपको मालूम हो चला। ऑन द वाइस मिनिस्टेरी स्टार्ट आख द स्लोइटिंग फेफ स्कोलन ओम त्रेंथ 8 दिसंबर प्रोसेस, यानी कि इस सिलसिले में 8 दिसंबर प्रोसेस के सिलसिले में मिनिस्टेरी ऑन द वाइस का जो इस बात से सहमत है कि 5 स्कूल को बंद होना चाहिए। और ये भी आपको बता दें कि मिनिस्टर फेरियई क्रेख नोक वेक ओम ओन दिदन प्री बैचलर ILO वक्त वर्कन, यानी कि मिनिस्टर फेरियई को एक हफ्ता और दी जाती है कि बैचलर ILO का जो समस्या है इसको हल करने के लिए। आगे चलकर आपको हम बता रहे हैं कि फ्रॉ बरूफन हार मोबिल एक औरत सिपाही नीवखरौन का खबर मिला है बुध की रात की वक्त में। आनखेफ्त की है स्त्रात बरूफिंग, यानी कि सड़क पर चलते हुए इनको लूटा गया है। आनखेफ्तर जो है EL जो ये शिकायत की है सिपाही के पास, स्कूल जा रही थी अपनी बच्ची को लेने के लिए, यानी अपनी बेटी को लेने के लिए, और अचानक ये महसूस किया कि इनकी जेब में कोई अपना हाथ डाल रहा है, और जब ये मुड़ कर देखा तो देखा यानी कि एक आदमी, और ये इतनी डर गई, इतनी चौंक गई कि बहुत घबराहट में आ गई, और फरदख्त जो है ऑब्जर्व बर्थ द फ्रॉ अन कई हार द ड्यू, यानी कि इस औरत को इस तरह से धकेला कि ये औरत गिर पड़ी, और ये डाकू लुटेरा जांगत चोर इनका मोबाइल इनकी जेब से निकाल कर, ये औरत की जेब से निकाल कर और फरार हो गया। न सिपाही तलाश कर रहा है। आगे चलकर आपको बता दें कि मिनिस्टर फेरियई के सिलसिले में जो बात बताएं, 5 स्कूल बंद होने की नौबत आई है, यह है क्योंकि 8 दिसंबर प्रोसेस के सिलसिले में जो समस्या चल रहा है, तो इस सिलसिले में ये 5 स्कूल वो बंद करने वाली है, और ये स्कूल जो है तो बताई जाती है कि ये स्कूल जो है तो इस सिलसिले में जिस तरह से मैंने आपको बताए हैं कि ऑन द वाइस मिनिस्टेरी इससे सहमत है कि 8 दिसंबर प्रोसेस के सिलसिले में, यानी कि ये आखिरी 8 दिसंबर प्रोसेस के सिलसिले में जो समस्या चलेगा वो आज होगी, और ये एक दिन के लिए ऑन द वाइस ब्रेकिंग, यानी कि सेंट पॉल स्कूल, सेंट लुइस स्कूल, सेंट एलिजाबेथ स्कूल इन सेंट एलिजाबेथ ट्वे और कैथेड्रल स्कूल कोर स्कूल, ये 5 स्कूल को बंद होना ज़रूरी है इसी सिलसिले में, क्योंकि सिर्फ प्रोसेस जो है आखिरी 8 दिसंबर सिर्फ प्रोसेस जो आज चलने वाले हैं, और बताई जाती है कि ये तमाम के तमाम स्कूल जो है ये खरेक्स हॉफ वेलफिंग स्तरात में जो है कैबिनेट प्रेसिडेंट का जहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑन द वाइस वेतनस्काप कल्चर, तो ये फैसला किया है कि ये स्कूलों को बंद होना ज़रूरी है। और बताई जाती है कि मिनिस्टर फेरियई को 5 दिन दी जाती है, यानी 7 दिन एक हफ्ता दी जाती है ऑन द फ्रीडन स्टूडेंटन जो है इस स्कूल का प्री बैचलर प्रोग्राम अकादेमिस लेरारन ऑपलाइनिंग ILO का ये फैसला किया है बॉन्सफान लेरारन के साथ मिलकर, BFL अलियांसी के साथ मिलकर, कि अगर ऑन द वाइस मिनिस्टर लिलियन फेरियई कोई फैसला इसके सिलसिले में नहीं लेगा एक हफ्ता के अंदर में, तो ये लोग एक हफ्ता देता है डायलॉग यानी कि बातचीत करने के लिए इस समस्या के सिलसिले में, और अगर अल्टीमेटम 27 नवंबर ये तो जो इन लोगों को इनको दी गई थी ये गुजर गया है। और बताई जाती है ऑब्सेशन फ्रस्ट्रेशन इज एंड द मिनिस्टर दैसा नितमेन खेन बतरोकन है खतून, यानी कि इनको कोई दिलचस्पी नहीं है, मतलब ये है कि ये कुछ नहीं किया
इसमें इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए तो फागमोंत लेजर रेशमा मंगरे जो है तो ये बता रही है बीफे को न ऑफ हार प्रेस कॉन्फ्रेंस इन द बीफे द कैनन दस जे नॉक्स हेल हेल खलोफ इन पातवान डायलॉग, यानी कि इसका जो ख्याल है कि बातचीत करने से बहुत सी हल हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा बात नहीं की गई मिनिस्टेरी की तरफ से। द बोंदन हैवन डोनर ऑफ फॉर्मेल एंड ब्रीफ करेक्ट, और ये अपने तरफ से एक खत भेजा है यानी मिनिस्टर के वास्ते। लिख रहे हैं पोलिसी पाकन ऑन फेल सिटीवासी जैत ओ सूरीनाम आन, आप जानते हैं कि जो समस्या वहाँ पर हुई है, दो लोगों को मृत्यु हो गई है यानी कि खून कर दिया गया है। तो कुछ दिनों से अख्तरलान सूरीनाम में दांकू लुटेरा जंग चोर जो है क्रिमिनल बंद जिसे कहा जाता है यहाँ पर न अपना काम कर रहा, लोगों को लूट रहे हैं और लूटने के बाद उन लोगों को मौत की घात उतार देते हैं। तो अब सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि यहाँ पर इन लोगों को सुरक्षा देना ज़रूरी है, और ये लोग गारंटी दे रहा है कि जिस तरह से वहाँ कारोबार होता उसी तरह से फिर होना हो रहा होता रहेगा, क्योंकि सरकार ये फैसला लिया है। फ्रे रसेंथ हैवन किने वेरतू खसलाखन, यानी कि जब ये लोग ये हरकतें किए हैं तो सरकार भी फैसला ली है कि ये बंद होना ज़रूरी है और यहाँ पर लोगों को भेजेंगे यानी कि सुरक्षा के लिए इन लोगों का, क्योंकि यहाँ के लोग जो है ये लोग कहते हैं कि इन लोगों को अपनी हाल पर छोड़ दिया गया है, सरकार की तरफ से कुछ नहीं की जाती है इन लोगों को हिफाजत देने के लिए। और बताई जाती है कि ब्राज़ीलियंस वार बे सूरीनाम से ब्राज़ीलियंस स्टास बेरोकस लीफ न बन खलातन, जो समस्या हुई है आप जानते हैं ब्राज़ीलियन और सूरीनाम के लोगों को मृत्यु हुई है और ये बार बार होता रहता है। तो यहाँ पर ब्राज़ीलिया और फ्रांक के साथ मिलकर सूरीनाम ये फैसला लिया है कि ये लोग मदद करें ये समस्या को हल करने के लिए। यौंगरन दी है नीत मेर जिन जेतन एरस आलते ऑपलॉसिंग, जो नौजवान लोग ना उम्मीद हो गए हैं इस ज़िंदगी से और हालात से, तो उन लोगों के लिए लोग ऑपलॉसिंग यानी कि हल की कोशिश की जाती है। सूरीनाम में जानते हैं कि सबसे खूबसूरत देश और सबसे अच्छा देश सूरीनाम है, लेकिन फिर भी एक पैराडाइज होते हुए यहाँ पर हकीकत यह है कि बहुत सी ऐसी गड़बड़ी कार्रवाइयाँ होता है ना, जो खट्टा होता है, खट्टा और मीठा दो चीज़ होता है ज़िंदगी में, तो मीठा के साथ साथ बहुत से खट्टा भी है जो लोगों को खाना पड़ता है। और यह है कि हमेशा मीडिया के ज़रिए यही खबर आता है कि यौंगरन ना उम्मीद होकर अपने आप को ज़िंदगी से ख़त्म कर देते हैं, और जो लोग दाकबला सूरीनाम में जो लोग से बातचीत किए हैं सड़क पर, तो वो लोग कहते हैं कि शुरुआत घर से होना चाहिए। जैक अनमान फन त्वें तक एक 20 साल के ये जवाब देता है, फिर कहता है फाक और तेजन से ऑफ फूडिंग ऑन द ड्रिक्ट, यानी कि इन लोगों को जो ऑफ फूडिंग दी जाती है तो बहुत से मुश्किलात इसमें पैदा होता है, यानी कि अच्छी तरह से नहीं, और ये हरकत होता मतलब ये सबब होता है कि लोग अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं। आगे चल कर बताई जाती फरदख्त स्टेट ब्रूर नियर ऑम यू एस सेस डॉइजन, ना एक आदमी अपने भाई को बलराज यही बीफे को न बोले अपने आप के बचाव के लिए ये काम किया कि अपने भाई को पैसा के लिए भोंक दिया है, न जैन औद्र ब्रूर हत खेल बे हेम खलीन एन है दोंग हेम ओम जैन खेल तुरख्त बतालन, बोले होकर भाई उनके पास पैसा लिया था, कर्ज पर लिया था, और उनको बोला यानी कि हमको अपना पैसा ज़रूरी है और तुमको देना ही चाहिए। सितंबर की 23 तारीख को इस साल में अपने भाई के पास कितनी बार गया ये पैसा मांगने के लिए और नहीं दिया, तो इस दिन ये आदमी एक पैज छुरी लेकर गया और इस छुरी से इनको खूब मरम्मत किया। हेट्सलाक ऑफर स्टेक एन हेफ्ट स्टेक ऑन जैन अख्तर होफ इन ऑन जे लिंकरवांग एंड इन ऑन जे रख्तर होफ तो जिद प्लग ऑफ रोमन, यानी कि तीन बार इनको भोका गया तीन जगहों पर और ये आदमी इनको हॉस्पिटल पहुँचाना पड़ा इलाज के लिए। और भाई जो है तो बोले है कि हमारे भाई ने हमको चैलेंज किया और ये सबब है कि अपने बचाव के लिए इनको मैंने ये छुरी से भोंका है। दत खैदनीत मेर जालखीफन और बोला कि हम पैसा नहीं देंगे तो तुम हमारा का कर पाइयो, और इसी सिलसिले में ये हाथापाई हुई, झगड़ा झंझट हुई, जहाँ पर एक क्यूकन मैस यानी कि एक छुरी लेकर न इस आदमी के तरफ ये आदमी की तरफ ये इशारा कर रहा था इनको भोंकने के लिए, तो ये भाई अपने बचाव के लिए बोले कि ये हरकत किया है। और 12 दिसंबर को ये समस्या ना को जज इसमें फैसला लेगा और बलराज भैया वो बंद रहेगा।
Getuigen gehoord in zaak schiet incident op Jantehen, Marti D. Bife november 27 tarikh ko kantorrechter Lydia H. Ravenberg ke samne pesh ki gayi hai, yani ki kisi ki hatya ki silsile mein poging tot doodslag, zware mishandeling aur 7 april 2019 heeft de verdachte op een balaka schoten gelost. Balaka par, yani ki goli chalaya hai, aur jo goli laga ondersoek se pata chala hai, do gawahiya ye baat bata raha hai, namelijk the mother and the sus van ex-partner jo tha, jo goli chalaya hai, to ye log bata rahe hain ki us din, ye tar kiya score mother ko ab bataya, ki younger doctor and her manzal for mother, bole hum tumhari beti ko aur unke aadmi ko, in dono ko, zindagi se mita denge, to ab ye harkate jo ye aadmi kiya hai, to bhaiya dekho, ye band hai, aur इन ये समस्या जो है आगे चलकर जज के सामने फिर पेश होगा, देखो जज कौन सी फैसला लेता है। तो तमाम खबरें जो आपके लिए अहमियत रखता है, बहुत सी खबरें हैं दोस्तों, और जो अहमियत रखता आज के लिए हम आपके सामने रख दिए हैं, जो आपके लिए अहम है ले लेना, जो नहीं है तो वहीं डाल देना जहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप हर एक को और रे किशोर साहिबा आज के लिए सुभराया को भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। वीकेंड है, अच्छी तरह से अपना वीकेंड गुजारना, और इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी रही और आप भी इंतज़ार करेंगे तो हम आपसे इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।